10 दिन में उखड़ने लगी 247 लाख से बनी नई सड़क। आपको बता दें कि मामला बबीरू तहसील के तिंगवारी विकास खंड के अंतर्गत का है, जहां माटा से भुजरक गांव के लिए संपर्क मार्ग बना हुआ है, जिसकी लागत 247.39 लाख रुपए की थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस सड़क का निर्माण हुआ था। गांव के कुछ ग्रामीणों ने बताया कि सड़क बने महज 10 दिन हुए और सड़क उखड़ने लगी है। आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क निर्माण में धांधली की गई है, जो कि बनते ही उखड़ गई है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से भी की, पर किसी के कान में जूं तक नहीं रहेगी, जिससे समझ में आ रहा है कि अधिकारी और ठेकेदार के बीच निर्माण राशि का बंदरबांट हुआ है। जिले के अधिकारी योगी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार हटाने की कवायद को सरकार के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? ज्ञान सिंह। अच्छा, ये कौन सी रोड है? ये ग्राम पंचायत भुजरक से ले माटा संपर्क मार्ग तक है। जो अच्छा, ये हाईवे फतेहपुर तक जाता है। कब बना था रोड ये? अभी 10 दिन पहले बना है। अभी क्या कंडीशन है रोड? अभी कंडीशन इसकी है कि पूरी उखड़ गई है। इसमें तो न डामर है न कहीं गिट्टी का पता है, ये सब उखड़ी पुड़ी चल रही है। देख लीजिए, जीरा का तो पता नहीं इसमें कहाँ है। तो इसमें आखिर कितना किलोमीटर लंबा रोड है ये? 4 किलोमीटर लंबा है, भुजरक से लेके और ये माटा मोड़ तक है, जो फतेहपुर जाता है रोड, हाईवे बांधा से लेके। तो पूरी रोड की क्या यही कंडीशन है? पूरी यही कंडीशन है पूरी रोड की। आपको आपके हिसाब से इसमें कौन दोषी है? हमारे हिसाब से ठेकेदार, सरकार, प्रशासन, सारे लोग दोषी हैं। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि सही से बना दी जाए रोड को, ताकि रात में दिक्कत होती जो आने जाने में। निकलने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं? निकलने में दिक्कत है, बाइक बहुत गिरती हैं, कभी बैलेंस नहीं बनता इनका बाइकों का, कभी गाड़ी गिर जाती है। एक बार हम ही गिर गए थे यहीं। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में बड़ी दिक्कत। आप समझ देख लीजिए, आप ये पोजीशन देख लीजिए कैसे इसमें किनारे जाने में चार पहिया वाहन आते, इसकी गिट्टी चिटकी लगती है, लोग घायल भी होते हैं, घायल भी होते हैं, गिर जाते हैं बहुत सारे लोग। और सुबह बच्चे पढ़ने जाते हैं तो यहाँ गिर जाते हैं कई बार, देखा हमने। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय करण यादव। ये कौन सी रोड है? ये फतेहपुर मार्ग से सीधा लोहारी को जाता है, भुजरक संपर्क मार्ग। अच्छा, तो क्या समस्या है इस रोड में? इसमें समस्या ये है कि पूरी सारी गिट्टियाँ उधल गई है, बच्चे स्कूल जाते हैं ठंडी में जाते हैं, और जो चार पहिया आता है तो बेचारे साइकिल अगर किनारे में करते हैं तो वो गिर जाते हैं, न जाने कितनों के तो हाथ टूट गए। अरे के पैर टूट गए। कब बना रोड ये? ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 14 दिन हुआ है आज से, बहुत ठीक है। अच्छा, तो रोड पूरे कहाँ से कितना लंबा रोड बना है ये? कम से कम नहीं है तो 4.5 किलोमीटर का। 4 किलोमीटर तो पूरा रोड ऐसे ही बना है? पूरा रोड भुजरक तक ऐसे ही बना है, भुजरक तक जाते हैं, भुजरक तक की लोकेशन बता सकते हैं, बाकी आगे क्या है। अच्छा, तो पूरी खराब है? पूरी खराब है। इस रोड में कितने ग्राम पड़ते हैं? इस गाँव में तो लोहारी पड़ता है, माचा मझियो पड़ता है, बेंदा का जो है आगमन है, बेंदा, डेराई, बड़ी लोहारी, छोटी लोहारी, कई गाँव, दर्जनों गाँव डेरा पड़ते हैं। भैया जी, मेरा नाम अनिल यादव है। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये NH 232 लगा हुआ भुजरक संपर्क मार्ग जी, लगभग 4 किलोमीटर। अच्छा, तो ये एक रोड कब बना हुआ था? ये 8 से 10 दिन लगा था, 8-9 दिन हो गए। तो अभी क्या कंडीशन है रोड की? आप देख ही रहे हैं पूरा उखड़ा हुआ है, केवल गिट्टी में काला तेल मिलाकर बिछा दिया गया है। लगभग 8 घंटे के रेंज में ही इसको पूरा 4 किलोमीटर रातों रात तैयार कर दिया है, और सुबह सब गायब हो गए। इसमें किसकी कमी मानते हैं? अब ये तो हम किसको कहें, ठेकेदार की या तो प्रशासन की, जिला प्रशासन तो मान लीजिए सरकार की, क्योंकि लगाम में लगा पा रहे हैं भ्रष्टाचार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये तो खुला आम भ्रष्टाचार है ना। बिल्कुल, लगातार देखिए सैकड़ों लोग रोज निकलते हैं, सबकी समस्या गिरते हैं, पूरा रोड बनने का कोई मतलब नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं। जानकारी बता रहे हैं कि 8 अब पैसा खत्म हो गया, 8-4 मार्च में फिर बनेगा, ये भी जानकारी बता रहे हैं रोड चलने वाले। ये बनेगा, लेकिन ये जो कंडीशन हुई ये कैसे बना? ये पूरा खा गए, जितना था मुझे लगता सब खाकर भग गए यहाँ, पैसा ही खा गए। और हाँ, आप देख ही रहे हैं इसकी लागत के बारे में कुछ जानकारी मिली नहीं, इतना ही हम बता सकते हैं। चलिए, श्री राधा माधव TVS शोरूम, TVS बाइक्स एंड स्कूटी का जाना माना शोरूम, जहां आपको मिलते हैं लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल्स, और लाए हैं दिवाली के अवसर पर आपके लिए एक सुनहरा अवसर। आप पाए 100 के नगद इनाम के साथ सुंदर सुंदर उपहार, तो आज ही ले जाएं अपना वाहन और 100 नगद इनाम के साथ पाएं गिफ्ट्स भी, है ना मजेदार मौका। तो आज ही आए TVS शोरूम, सॉन्ग रोड, मथुरा।